रॉयल रंबल पेपर व्यू WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू में से एक होता है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो WWE के बड़े पेपर व्यू में रॉयल रंबल का नाम भी शामिल है। और इस रॉयल रंबल पेपर व्यू में हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस और काफ़ी कुछ रिकॉर्ड बनते हुए एंड टूटते हुए भी नजर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा WWE के रॉयल रंबल 2021 के बिगेस्ट विनर्स एंड लूजर्स के बारे में। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए तो चलिए वीडियो शुरू करता है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो पहले हम बात कर लेते हैं विमेंस रॉयल रंबल की, तो उसके अंदर रिया रिपली का पहला नाम आएगा क्योंकि वहाँ पर इन्होंने 7 एलिमिनेशन किए हैं, यानी कि उन्होंने 7 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया है रॉयल रंबल में। और लड़ते लड़ते वो फाइनल तक चली, यानी कि वो आखिर तक लड़ी। फिर वहाँ पर बियंका ब्लेलर ने रिया रिपली को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल भी जीता और वहाँ पर रिया रिपली की हार देखने को मिली। अगर बात कर जाए मैंस रॉयल रंबल की, तो यहाँ पर दो सुपरस्टार के बीच में टाई हो रहा है, यानी कि सेथ रॉलिंस एंड बिगी ने पूरे 4-4 एलिमिनेशन किए हैं। यानी कि बिगी ने 4 एलिमिनेट किए हैं और सेथ रॉलिंस ने भी 4 एलिमिनेशन किए हैं, यानी कि दोनों सुपरस्टार्स ने 4-4 सुपरस्टार को रॉयल रंबल में एलिमिनेट किया है। बिगी 10वें नंबर पर आए थे और उन्होंने लगातार 4 सुपरस्टार को उन्होंने एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल में। और बात की जाए सेथ रॉलिंस की, तो वो 29 नंबर पर आए थे और वहाँ पर इन्होंने भी 4 एलिमिनेशन किए, यानी कि 4 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया रॉयल रंबल में। पिछले साल डैनियल वैन ने रिकॉर्ड बनाया था ज़्यादा टाइम रुकने का रॉयल रंबल में, और इस बार बियंका ब्लेलर ने बनाया है रॉयल रंबल में ज़्यादा टाइम रुकने का, और वो है 56 मिनट 52 सेकेंड्स का। और बियंका ब्लेलर नंबर 3 पर आए थे और काफ़ी ज़्यादा लंबा टिकी बियंका ब्लेलर, और वो रॉयल रंबल भी जीती और वो काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट विन थी बियंका ब्लेलर के लिए। और इस बार के मैंस रॉयल रंबल की बात कर जाए, जिसने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रिंग में मौजूद था, वो थे एज एंड रैंडी ऑर्टन, जो कि दोनों सिमिलर टाइम में थे और दोनों का भी लगभग सेम टाइम था, और उन्होंने टाइम बिताया है 58 मिनट 28 सेकेंड्स। लगभग एज एंड रैंडी ऑर्टन ने रॉयल रंबल की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर हमें इनकी शुरुआत ही हमें इन दोनों से देखने को मिली थी और काफ़ी सुपरस्टार के रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जमे रहे थे रैंडी ऑर्टन एंड एज रिंग में। और इस मैच के बीच में एज एंड रैंडी ऑर्टन की रिंग के बाहर भी ब्रॉल चल रही थी और उसके चलते रैंडी ऑर्टन को बैक स्टेज भी ले जाया गया था, लेकिन यहाँ पर एज ने रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीत लिया। फ्रेंड्स, ये थे बिगेस्ट विनर्स। अगर बात कर जाए लूजर्स की, तो फास्टेस्ट एलिमिनेशन की तो बात कर जाए विमेंस के रॉयल रंबल की, तो वो है कार्मेला। 47 सेकेंड्स में ही उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। नंबर 24 पर आई थी कार्मेला। निक्की ग्रॉस ने कार्मेला को बाहर निकाला और वहाँ पर कार्मेला के फ्रेंड ने स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन वहाँ पर तमिना के किक की वजह से कार्मेला वहाँ पर एलिमिनेट हो गई और उन्हें उनके दोस्त ने एलिमिनेट कराया। अगर बात करें जब फास्टेस्ट एलिमिनेशन इन मेन रॉयल रंबल की, तो यहाँ पर वो है हरिकेन, जिन्होंने जो कि 30 सेकेंड्स में एलिमिनेट कर दिए गए हैं। हरिकेन ने 23 नंबर पर एंट्रेंट की और वहाँ पर आके ही उन्होंने बिगी के आई पे मारा, और वहाँ पर एक स्मार्क्स रेसलर ने डबल चोक स्लैम लगाने जा रहा था बॉबी लेस्ली एंड बिगी को, यहाँ पर बिगी एंड बॉबी लेस्ली ने ही इन्हें एलिमिनेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे WWE के 2021 के रॉयल रंबल के बिगेस्ट विनर्स एंड लूजर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि इस मैच में से आपको लूजर्स और विनर्स कौन कौन से सबसे बड़े लगे, कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, लिंक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक इतना है, गुड बाय, टेक केयर।